इस दुनिया में हर कोई अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने में लगा है। कई लोग इतने नार्सिसिस्टिक होते हैं कि दूसरों के सामने अपने आप को हमेशा बड़ा ही बताने पे तुले होते हैं, लेकिन खुद को बड़ा मानने की ये सोच इतनी छोटी है कि ब्रह्मांड में इसका कोई वजूद नहीं। और इतना ही नहीं, खुद को बड़ा मानने वाले हम इंसान जिस ग्रह पे टिके हैं वो खुद भी इस ब्रह्मांड में एक रज के समान भी नहीं है। तो आखिर हमारे ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी बड़ी है और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? तो चले दोस्तों, आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं। वेलकम बैक टू द नॉलेज एंड मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। शुरू करते हैं सबसे छोटी चीज से। तो दुनिया की सबसे छोटी वस्तु यानी एक अणु से भी अरबों खरबों गुना छोटी होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का अस्तित्व थियोरेटिकली ही सिर्फ स्ट्रिंग थियोरी में है। एक स्ट्रिंग से लाखों गुना ज्यादा बड़ा होता है पेन पार्टिकल, जिसकी साइज होती है 1.5×10⁻³ मीटर। दोस्तों, प्लेन पार्टिकल से भी लाखों गुना बड़ा होता है लेप्टॉन, साइज 1×10⁻²⁴ मीटर। अब लेप्टॉन से भी बड़े होते हैं क्वार्क्स, साइज 1×10⁻²⁔ मीटर। क्वार्क्स से बड़े होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और इन सभी को मिलाकर एक बड़ी जायंट चीज बनती है जो एक्चुअली हमारे सामने तो इतनी छोटी होती है कि जिसे हम देख भी नहीं सकते, और वो है अणु या एक पार्टिकल। और इस ब्रह्मांड में सभी स्थूल चीजें अणु से मिलकर बनी होती है, आप, मैं, हमारा फोन, कार, ट्रेन, प्लेन, सब कुछ। और इन छोटे छोटे अणुओं से बने हम इंसान खुद को दूसरों से बड़े साबित करने में लगे रहते हैं। मेरे शहर का कोई बड़ा ऑफिसर खुद को मुझसे बड़ा मानता है, और कोई राजनेता खुद को उस ऑफिसर से बड़ा मानता है। देश के सबसे धनवान व्यक्ति को इन सबसे बड़ा माना जाता है, और दुनिया के सबसे अमीर इंसान को लोग इन सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन पावर के मामले में ये साहब सबसे बड़े कहलाते हैं। लेकिन इनके देश से भी विस्तार में बड़ा है रशिया, किंतु 12,742 किलोमीटर बड़े डायमीटर वाली हमारी पृथ्वी में ऐसे कई रशिया समा सकते हैं। लेकिन 149,822 किलोमीटर बड़े डायमीटर वाले प्लेनेट जुपिटर में पूरी की पूरी 1300 अर्थ समा सकती है। लेकिन गुरु जैसे 1000 जायंट प्लेनेट्स हमारे सन में समा सकते हैं, जिसका डायमीटर है 1.3 मिलियन किलोमीटर। तो क्या सन है सबसे बड़ा? जी नहीं। तो भाई और बहनों, सन आखिर एक तारा है जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पिंड है। और हम सिर्फ सोलर सिस्टम की ही बात करें तो खुद को बड़ा बताने वाले हम लोग जिस ग्रह पे टिके हुए हैं वो आज अभी इसी वक्त गायब हो जाए तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इतने बड़े सोलर सिस्टम का सर्वे सर्वा हमारे सन से भी बड़ा स्टार है सीरियस ए, जो हमसे 8.5 लाइट ईयर दूर है। ये तारा हमारे सूरज से दुगने मास का है। लेकिन यार, इसकी प्रॉब्लम है कि ये सन से 25 गुना ज्यादा एनर्जी को छोड़ता है। इसका मतलब ये है कि ये तारा बहुत जल्दी खत्म होगा। लेकिन सीरियस ए से हजारों गुना बड़ा है पोलक्स, और उससे भी अरबों गुना बड़ा है एल्डेबेरॉन, और इन सबसे खरबों गुना बड़ा और पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है वीवाई केनस मेजरस। ये स्टार 2,12,00,000,000 रेडियस किलोमीटर बड़ा है, जो हमारी पृथ्वी से 4,892 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है। ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े तारे का हम लोग अगर चक्कर लगाना चाहे, और उसके लिए अगर हम 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं, फिर भी हम लोग को इस स्टार का एक पूरा चक्कर काटने में पूरे के पूरे 1100 साल लगेंगे। और सेनियस मेजरस भले ही अब तक का हम इंसानों का खोजा हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा हो, लेकिन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के 1,05,700 लाइट ईयर बड़े विस्तार के सामने ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े तारे की कोई औकात नहीं। और IC 1101, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है जिसका विस्तार पूरा का पूरा 2 मिलियन लाइट ईयर है, उसके सामने हमारी मिल्की वे भी बहुत बहुत बोनी दिखाई देती है। लेकिन ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी गैलेक्सी को भी चींटी जैसा महसूस करवाने वाला एक हाथी का भी वजूद है, और वो है हमारा खोजा हुआ आज तक का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं द हरक्यूलस कोरोना बोरियलस ग्रेट वॉल। दोस्तों, ये संरचना ब्रह्मांड में पूरे 10 बिलियन लाइट ईयर तक फैली हुई है। आज तक ये पता नहीं चला कि ब्रह्मांड में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना तो बना कैसे, लेकिन ब्रह्मांड की इतनी बड़ी एक जायंट रचना कुदरत का ही एक करिश्मा समझो। तो ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी संरचना है ये बोरियलस ग्रेट वॉल, लेकिन इससे भी बड़ा है खुद हमारा दृश्य ब्रह्मांड, जिसमें ये सारी चीजें समाई हुई है, जो फैला है पूरे के पूरे 93 बिलियन लाइट ईयर में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और इसे हो सके वहां शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे। टेक केयर।